UFC 284 12 फरवरी को आने वाली है और ये फाइट कार्ड 2023 की शुरुआत में सबसे बड़ा फाइट कार्ड हो सकता है, क्योंकि यहां पर अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की जो फेदरवेट चैंपियन है उनकी फाइट होगी दागिस्तानी अनडिस्प्यूटेड लाइटवेट चैंपियन इस्लाम मखाचेव से। ये इस्लाम मखाचेव का पहला टाइटल डिफेंस होगा और UFC 284 होने वाली है ऑस्ट्रेलिया पर्थ में, और वहां पर इसके प्रमोशन भी शुरू हो गए हैं जिसके बारे में भी एक वीडियो मैं आपको जल्दी ही देने वाला हूं। यहां पर इस्लाम मखाचेव के बारे में एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है और ये न्यूज आपको ये मेक श्योर कर देगी कि इस्लाम मखाचेव कितने सीरियस हैं इस फाइट को लेकर। देखिए, इस्लाम मखाचेव का फाइट कैंप स्टार्ट हो चुका है, यानी कि इस्लाम मखाचेव प्रॉपरली UFC 284 के लिए अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की को हराने के लिए पाउंड फॉर पाउंड नंबर वन की प्लेस लेने के लिए क्या कर चुके हैं, अपने फाइट कैंप के अंदर एंट्री ले चुके हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को अगर पूरा देखते हो और सारी वीडियोस देखते हो तो आपको ध्यान होगा कि जब इस्लाम मखाचेव जीत गए थे चार्ल्स ओलिवेरा से तो वहां पर क्या कहा था, वहां पर कहा था हबीब ने कि मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने की छुट्टी इस्लाम मखाचेव ले सकता है, लेकिन अगर पाउंड फॉर पाउंड नंबर वन बनना है, अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की को पर्थ में जाकर उसके घर में जाकर हराना है उसके फैंस के सामने, तो बहुत जल्दी ही वापस से फाइट कैंप को ज्वाइन करना पड़ेगा। जिस जिसको याद है वो वीडियो, जिसने वो वीडियो देखी थी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे पता लगेगा कि कौन वीडियोस को देखता है। और लाइक कीजिएगा, अगर नए सब्सक्राइबर हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज़ डाल सकूं, मेरा मोटिवेशन बना रहे। चलिए, अब यहां पर फाइट कैंप के अंदर इस्लाम मखाचेव आ चुके हैं और इसका खुलासा उन्होंने अपने ट्वीट से किया। इनका ट्वीट देखिए और ये उन्होंने मैसेज भेजा है अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की को, क्या मैसेज भेजा है देखिए, फाइट कैंप इज ऑन, बी रेडी शॉर्ट गाय। यानी कि यहां पर उन्होंने एक मैसेज भी दे दिया कि जो फाइट कैंप है वो शुरू हो गया है, और यहां पर एक छोटा सा टॉन्ट भी मार दिया कि टिंगे से छोटे से छोटी सी हाइट वाले शॉर्ट गाय, बच के रहना मुझसे क्योंकि मैं फाइट कैंप के अंदर एंट्री ले चुका हूं और मैं जब भी मौका मिला पर्थ में आकर तुझे दबोचने वाला हूं। तो यहां पर अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की के खिलाफ इस्लाम मखाचेव प्रॉपरली तैयारी करने उतर चुके हैं अपने फाइट कैंप में। अब यहां पर ये जो टाइम बचा हुआ है इसमें हबीब का रोल बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि हबीब एक ऐसे फाइटर हैं जिनको अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की को समझने में आसानी होगी, क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की अनडिफीटेड है। अगर कोई भी डिफीट होती तो यहां पर इस्लाम मखाचेव उस कमजोरी को जो है टारगेट करके फायदा उठा सकते थे, लेकिन अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की को अगर आप देखोगे तो वो यूएफसी के अंदर अनडिफीटेड हैं इस लेवल ऑफ कंपटीशन के ऊपर। तो यहां पर अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की को हराने के लिए एक प्रॉपर गेम प्लान की जरूरत पड़ेगी। हाँ, गेम प्लान हमेशा सेम रहता है हबीब का कि टेक डाउन करो और क्या करो, फिनिश करो। यहां पर भी अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की को फिनिश करने की बात हबीब ने कही थी, वी कैन फिनिश हिम। यहां पर हमें ये देखना पड़ेगा कि हबीब किस तरीके का प्लान बनाते हैं, क्या स्ट्राइकिंग हैवी बनाएंगे या फिर वही ट्रेडिशनल फादर्स प्लान चलेगा कि टेक डाउन करो और वहीं पर ही आप उसको सबमिट करो। यहां पर इस्लाम मखाचेव और अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की को अगर मैं देखूं तो यहां पर दोनों ही फाइटर वेल डिजर्व्ड हैं और टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं। जब ये टकराएंगे ऑक्टागन के अंदर तो यहां पर ये होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं कि ये एक डिसीजन तक जाए फाइट, क्योंकि दोनों फाइटर्स को अगर आप देखोगे तो उनके लिए ये फाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो चैंप बनने के सपने को लेकर उतरेंगे अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की, और पाउंड फॉर पाउंड नंबर वन का प्लेस भी उनका जो है दाव पर लगा होगा, और उनके घर में उनके फैंस के सामने जहां पर इतनी हाइप बिल्ड होगी और जहां के वो हीरो हैं। दूसरी तरफ इस्लाम मखाचेव का ये पहला टाइटल डिफेंस होगा, इतनी बड़ी लेगेसी उनके साथ है तो लेगेसी को जस्टिस करना और अपने टाइटल को बचाना, तो ये जो फाइट होगी ये 5 राउंड वार तक भी जा सकती है। लेकिन जब ये फाइट नज़दीक आएगी, दोनों कैंप से जो खबरें आएंगी सबसे पहले मैं आपको दूंगा और फिर हम एनालिसिस भी करते रहेंगे कि किस तरफ ये मैच जा सकता है। लेकिन अभी इस्लाम का पलड़ा भारी है या अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की का, कमेंट करके बताएं। और यहां पर हबीब का गेम प्लान क्या रहेगा, किस तरीके से वोल्कनोवस्की को हराने की कोशिश करेंगे या फिर जो वोल्क को जिता रहे हैं वो मुझे बताएं कि वोल्क अब क्या पैतरा अपनाएंगे, क्या वो इस्लाम मखाचेव को हराकर डबल चैंप यानी कि चैंप बन पाएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हाँ, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट छोड़कर जरूर जाएं।
टेक केयर, ख्याल रखें।